हेलो कोडलपर्स, वेलकम बैक टू कोडलपमेंट, आपका गो टू प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट आइडियाज और सोर्स कोड सॉल्यूशंस। आई एम एलएलजी और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज स्पेशली फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में शेयर करूँगा 15 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज जो आपके फाइनल ईयर कॉलेज के हिसाब से परफेक्ट होंगे, साथ साथ कोडिंग स्किल्स को बूस्ट करेंगे और रेज्यूमे को भी स्ट्रांग बनाएंगे। इन 15 प्रोजेक्ट्स में से किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड आपको देने की कोशिश करेंगे। हाँ, कभी कभी रिप्लाई लेट जरूर आता है, लेकिन यू डेफिनेटली विल गेट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और टेम्पर प्रूफ बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में वोटिंग को बदलने का एक पोटेंशियल रखता तो है ही। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज रेज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन, एक ऐसा टूल जो यूजर्स को हेल्प करेगा प्रोफेशनली और जल्दी से रेज्यूमे बनाने में विथ ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन। आपने कैनवा का नाम सुना होगा, वहाँ पर हमें टेम्पलेट को खुद से डिज़ाइन करनी पड़ती है, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन आप बना सकते हो जिसमें हम डिस्क्रिप्शन देंगे और वो रेज्यूमे खुद क्रिएट करके दे देगा इन PDF फॉर्मेट। हमारे पास इसका सोर्स कोड है, आपको सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका सोर्स कोड भेजने की। इसके साथ साथ 15 प्रोजेक्ट्स में से किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, विल गिव यू द सोर्स कोड। आप बना सकते हैं फ्लाइट फेयर डिटेक्शन सिस्टम जो फ्लाइट फेयर्स के फ्लैक्चुएशंस को ट्रैक करके और प्रेडिक्ट करके बेस्ट प्राइस में टिकट बुक करने का सोल्यूशन दे दे। फेस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। AI और मशीन लर्निंग का यूज करके आप एक सिस्टम बना सकते हैं जो फेसेस को रिकॉग्नाइज करेगा, जो सिक्योरिटी सिस्टम्स या स्मार्ट कैमरास के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बनाइए एक ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम जहाँ यूजर्स रियल टाइम में प्रोडक्ट्स पे बिड कर सकते हैं। परफेक्ट प्रोजेक्ट है रियल टाइम डेटा हैंडलिंग और डायनामिक यूजर इंटरेक्शन के लिए। एक और यूजफुल प्रोजेक्ट है इवेल्युएशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप स्टूडेंट्स के स्कोर्स को एनालाइज करके उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पर इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, या फिर अपने कॉलेज के ग्रुप में, या फिर आपके जो कॉलेज मेट हैं उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिले, ये प्रोजेक्ट का आइडियाज़ मिले। और होता क्या है ना कि जैसा कि सोर्स कोड के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो या फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, और हमारा चैनल जो है वो विटनेस है इस चीज़ का कि हमने हजारों स्टूडेंट्स को सोर्स कोड फ्री में दिया है और बदले में हमने कोई भी एक रुपए का चार्जेस नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक वेल सब्सक्राइबर्स डिज़र्व करता हूँ, अच्छी रीच डिज़र्व करता हूँ। तो क्या होता है कि अगर वीडियोस पे अच्छी रीच नहीं आती है, अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो हमें भी सोर्स कोड देने में या फिर कमेंट का रिप्लाई करने में लेजीनेस आती है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई मोटिवेशन ऑल्सो यू जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, दैट्स ऑल। मैं ऑलरेडी बहुत रिसर्च करता हूँ आप सभी के लिए, और अगर कोई व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ते या फिर सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ते तो हमें थोड़ी सी डिमोटिवेशन आती है, तो हम आपको हेल्प करते हैं, तो इंश्योर कि आप भी हमें हेल्प करिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ई ऑथेंटिकेशन सिस्टम। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ई ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलप करके आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सिक्योर एक्सेस इंश्योर कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कर्सर मूवमेंट ऑन ऑब्जेक्ट मोशन, ये काफ़ी यूनिक आइडिया है, कर्सर मूवमेंट ऑन ऑब्जेक्ट मोशन। इस सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट से आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं हैंड्स फ्री इंटरेक्शन के लिए। क्राइम रेट प्रिडिक्शन, मशीन लर्निंग का यूज करके आप एक क्राइम प्रिडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर क्राइम ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करेगा। स्मार्ट सिटीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काफ़ी रेलिवेंट प्रोजेक्ट है। एंड्रॉयड बैटरी सेवर सिस्टम, बैटरी लाइफ का प्रॉब्लम सबका होता है, एंड्रॉयड बैटरी सेवर सिस्टम आपको हेल्प करेगा एप्स और सिस्टम सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करने में ताकि बैटरी की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। सिंबल रिकॉग्निशन, सिंबल रिकॉग्निशन सिस्टम एक AI पावर्ड प्रोजेक्ट है जो डिफरेंट सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे रोड साइंस या मैथमेटिकल सिंबल्स। काफ़ी यूजफुल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है ये, जो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा और
सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम उसका सोर्स कोड भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और हमारा एक प्रोटोकॉल है, आपको CSE कोड मिलता है जस्ट आप, क्योंकि YouTube ने हमें सजेशन दिया है कि डायरेक्टली बहुत हज़ारों की संख्या में जो सोर्स कोड है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड ना करें, तो इसलिए हमारा एक प्रोटोकॉल है। बट मेक श्योर आप जो भी प्रोसेस फॉलो करेंगे कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ पब्लिक न्यूज़ ड्रॉइड। बनाइए एक पब्लिक न्यूज़ ड्रॉइड, एक AI पावर्ड चैट बॉट जो रियल टाइम में लेटेस्ट न्यूज़ फेच करके यूजर्स को डिलीवर करेगा। इसमें आपको APIs और डेटा फेचिंग का काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एडवांस्ड सर्च इंजन। डेवलप कीजिए एक एडवांस्ड सर्च इंजन जो ज़्यादा एक्यूरेट और इंटेलिजेंट सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करे कंपेयर टू कन्वेंशनल सर्च इंजन। इसके साथ साथ बैकिंग में आप ChatGPT लगा दीजिए ताकि जो डेटा को LLM के थ्रू से गुजरना पड़े, मतलब जो सेंटेंस क्रिएट होगा, जो ग्रामर क्रिएट होगा, वो बहुत अच्छे से और यूनिक तरीके से और करेक्ट सिंटेक्स के साथ आएगा। इसलिए एडवांस्ड सर्च इंजन बना सकते हैं, बैक इन यू कैन यूज ChatGPT। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन ईबुक मेकर। एक ऑनलाइन ईबुक मेकर डेवलप करके आप यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने ईबुक्स ईजिली क्रिएट कर सके, ईजिली कस्टमाइज कर सके और ईजिली पब्लिश भी कर सके। राइटर्स और पब्लिशर्स के लिए परफेक्ट टूल है, जैसे Amazon, सेलर्स और बायर्स के लिए उसी तरह से यू कैन क्रिएट अ एप्लीकेशन जहाँ पर राइटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक बेस्ट बिजनेस और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोबाइल वॉलेट एंड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम। फाइनली एक मोबाइल वॉलेट एंड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम बनाइए। ये एक फिनटेक प्रोजेक्ट है जिसमें यूजर्स ईजिली और सिक्योरली मर्चेंट्स को मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कई सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है जो फिनटेक को सपोर्ट करता है, जो मर्चेंट पेमेंट के लिए होता है, जिसकी APIs ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको इसका सोर्स कोड या चाहिए या फिर कोई तरह का हेल्प चाहिए, कहीं का API चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका समाधान करने की। तो कोड लवर्स, ये थे 15 इनोवेटिव और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आइडियाज फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, वो भी 2024 में। ये प्रोजेक्ट्स आपके कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, आपके फाइनल ईयर में सबमिट हो जाएंगे और आपका रेज्यूमे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे। इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसका सोर्स कोड आप तक भेजने की। और प्रायोरिटी रिप्लाई चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रायोरिटी रिप्लाई इन द सेंस कि जब आप कमेंट करते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट तभी होता है जब आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो, एटलीस्ट सब्सक्राइब करते हो, तो यूट्यूब क्या करता है आपके कमेंट को हाईलाइट करता है, राइट? और हमारा ध्यान सबसे पहले उस कमेंट पर ही जाता है। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।